बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक से आगे फर्दर जो है उनकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर। सबसे पहले आपके पास देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखना है कि बेसिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल इस ज़मीन के अंदर जिसको हम बोलते हैं केमिकल कंपाउंड्स। अब केमिकल कंपाउंड्स जो है ना, वो आपके जो एग्जिस्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिक, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फ़र्क क्या है, जो बेसिक्स बेसिक नेचर में फ़र्क है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमारे पास अर्थ से हम डिराइव करते हैं, अर्थ से डिराइव होते हैं, ये ज़मीन से निकाले जाते हैं। और ये कैसे होते हैं कि जब ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओल्ड प्लांट्स प्लस एनिमल्स जो हैं वो रॉट होते हैं, गल सड़ जाते हैं, रॉटिंग होती है उनकी, उनके रॉटिंग करने होने की वजह से वो ज़मीन के अंदर जो है वो गल सड़ जाते हैं, और उस की वजह से उनके अंदर से जो है वो केमिकल्स डिराइव होते हैं, और उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं, ये भी डिराइव अर्थ से ही किए जाते हैं, ज़मीन से ही निकाले जाते हैं, अर्थ से डिराइव होते हैं। लेकिन इसमें और ऑर्गेनिक में फ़र्क क्या है कि ये मिनरल सोर्स होता है, ज़मीन के अंदर मादनियात जो पाई जाती हैं उसके अंदर से इनको डिराइव किया जाता है, तो इनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब देखें ये लिविंग थिंग्स जो में कंसिडर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये कौन सी हैं, लिविंग, यानी लिविंग थिंग्स जो हमारी चीज़ें पुरानी जो ज़मीन में दफन हो जाती हैं और वो गल सड़ जाती हैं, रॉटिंग होती है, और उस रॉटिंग की वजह से उसके अंदर से जो केमिकल्स जो है वो निकलते हैं उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और इसको बोला जाता है फॉसिल, फॉसिल्स बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, फॉसिल्स, जो ज़मीन के अंदर पुराने दरख्त और जानवर मर के दफन हो जाते हैं, उनके हड्डियाँ और जिस्म वगैरह गल सड़ जाता है, और उस गल सड़ने से रॉटिंग की वजह से उसके अंदर से जो है वो केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। क्लियर हो गया। अब सिंपल जो और सबसे बेसिक जो फॉरमोस्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, वो आपके पास हो गया कोल। कोल क्या चीज़ होती है, जो आपके पास ज़मीन के अंदर से डिराइव होती है। उस पर हम फर्दर चलेंगे आगे। अब सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लें, जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक की वो क्या है, आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की के आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी वो केमिकल कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से डिराइव होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और उनकी शर्त ये है कि वो सारी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हों, तो तब उसको हम क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनिक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जिस तरह CH4 है, CH3 है, जिनके फर्दर हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बाकी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं, सबसे पहला हमारे पास जो है वो अब सोर्सेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास सोर्स है जी फॉसिल फ्यूल। फॉसिल की मैं बता चुका हूँ कि जो पुराने प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो गल सड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से जो ज़मीन के अंदर फ्यूल बनता है उनकी हड्डियों से, गोश्त से, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का लफ्जी मतलब ही यही होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रॉट हो जाते हैं, रॉटिंग जिनकी होती है। क्लियर हो गया, तो इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उस फॉसिल फ्यूल से, जो फॉसिल से बनता है, सबसे पहले हमारे पास बनता है कोल। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आएगी, कोल। कोल हमारे पास क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर से निकलता है, और कोक भी इसकी टाइप होती है, कोल टार भी टाइप होती है, और ये ज़मीन के अंदर से सबसे पहला प्रोडक्ट निकलता है, इसे कहते हैं कोल। और इस कोल से फर्दर हम जो है वो चीज़ें डिराइव करते हैं, इसकी डिफरेंट इस पर केमिकल प्रोसेसिंग और रिएक्शन करके, तो वो हम फर्दर जो है वो देखेंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है, कोल के बाद आता है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल की फॉर्म है। पेट्रोलियम हमारे पास क्रूड ऑयल से निकलता है। अब क्रूड ऑयल भी फॉसिल का ही बाय प्रोडक्ट है, इसी का बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारे पास ब्लैक कलर का ज़मीन के अंदर से तेल निकलता है, जो कि डार्क ब्लैक होता है और काफ़ी स्टिकी होता है और थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है और स्टिकी होता है। तो ये आपके पास क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल से आप बेसिकली पेट्रोलियम इससे बनते हैं। पेट्रोलियम के अंदर आपके पास अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया एंड अदर प्रोडक्ट्स, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स आपके पास क्या आ जाते हैं इसकी
एग्जाम्पल है फॉसिल की, सेकंड चीज पेट्रोलियम होगी जो क्रूड ऑयल से हमारे पास चीजें निकलती हैं, और थर्ड जो चीज आपके पास आ जाती है दैट इज आपके पास नेचुरल गैस, जो जमीन के अंदर से गैस निकलती है, नेचुरल गैस जो जिसको हम जो है वो मीथेन बोलते हैं। मीथेन एक सिंपल एग्जांपल है, नेचुरल गैस CH4 इसका फॉर्मूला है। ये आगे आप इसकी देख लेंगे टाइप्स और क्या चीजें होती हैं। ये नेचुरल गैस है जो जमीन के अंदर से निकलती है और जो घरों में खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होती है और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास बेसिक था आपके पास अपना जो है वो। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जिस तरह स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, वो सारी भी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये आपके पास सिंपल इसकी जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कहाँ से बनते हैं। अब कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गई, इन सारी चीज़ों से डिराइव होके फर्दर जो है हम जो है वो मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिराइव करते हैं डिफरेंट रिएक्शन से। उसके बाद आ जाता है जी पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या चीज होती है? सिंथेसिस होता है कि आप जो है वो आर्टिफिशियली आप कोई प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। क्लियर हो गया? आर्टिफिशियली प्रोडक्शन होती है, यानी रिएक्शन करा के आप जो चीज प्रोड्यूस करते हो दैट इज सिंथेसिस होता है उसको। ठीक हो गया? अब दो तरह की सिंथेसिस की हमें टाइप बताई गई है। तो एक हो गया हमारे पास पार्शियल, पार्शियल सिंथेसिस, और दूसरा हमारे पास हो गया कंप्लीट सिंथेसिस। अब आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन को आपके पास, फॉर एग्जांपल आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर एग्जांपल ए और बी आपने दो रिएक्टेंट लिए और उनसे आपके पास सी एंड डी दो प्रोडक्ट बनने हैं। अब आपने क्या किया कि ए और बी जब रिएक्ट कराए तो आपके पास एक सी प्रोडक्ट बना, अभी डी पे नहीं पहुंचा प्रोडक्ट तो सी पे प्रोडक्ट बना, और यहाँ पे आपने सी को डिराइव कर लिया रिएक्शन से। तो अब आपका रिएक्शन से जो ये चीज सी प्रोडक्ट बना, जिससे पार्शियल सिंथेसिस, PS, पार्शियल सिंथेसिस, क्योंकि आपका जो रिएक्शन था उसने सी और डी दो चीजें बनानी थी, लेकिन आपने क्या किया कि उस रिएक्शन के अंदर से जब ए और बी रिएक्ट करके सी बनाया तो सी से ही सी को आपने डिराइव कर लिया और रिएक्शन खत्म हो गया। तो ये आपके पास पार्शियली सिंथेसाइज, पार्शियल सिंथेसिस हो गया, यानी पार्शियली वो डिराइव हुआ, अभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ। तो कंप्लीट सिंथेसिस में क्या होगा कि आपके पास वही केमिकल रिएक्शन हो और उसमें सी प्लस डी दोनों प्रोडक्ट बने और दोनों को आप जो है वो डिराइव करें। तो ये आपके पास होता है कंप्लीट सिंथेसिस। क्लियर है? तो पार्शियल एंड कंप्लीट सिंथेसिस आपको समझ आ गया कि एक रिएक्शन जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो, और अगर आपने पूरा रिएक्शन होने से पहले पहले जो है वो रिएक्शन से डिराइव कर लिया प्रोडक्ट तो उसे पार्शियल सिंथेसिस बोलेंगे, और अगर पूरा रिएक्टेंट्स आप प्रोडक्ट डिराइव करते तो उसे हम कंप्लीट कंप्लीट सिंथेसिस का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, जो हम अब इसमें डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होती हैं और उनका मकसद जो है वो क्या होता है। तो वो अभी हम देखते हैं कि उनको हमने कैसे डिराइव करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपने डिराइव किया, सबसे पहली चीज उसकी आती है कंपोजिशन। कंपोजिशन के वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, वो उसके अंदर जो है वो कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, उसके अलावा और एलिमेंट्स कितने हैं, वो ये इसकी कंपोजिशन होगी, केमिकल कंपोजिशन के किन किन चीजों से मिलके वो बना है। सेकेंड चीज है कंबस्चन, ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया? ऊपर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली कंपोजिशन आ गई कि वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। फिर उसके बाद है कंबस्चन। कंबस्चन में क्या होगा कि जिनकी परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगी वो ज्यादा बर्निंग होगी, उनकी जो कंबस्चन है वो भी ज्यादा होगी, और जिनकी परसेंटेज ऑफ कार्बन लो होगी उनकी कंबस्चन कम होगी। क्लियर है? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है कंबस्चन की, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना कंबस्टेबल है कि नहीं। तो जिनकी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, हाई है, उनकी कंबस्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा, और जिनकी कार्बन की परसेंटेज कम है उसकी कंबस्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी कम। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, मीथेन है CH4, फिर C2H6,
फिर C3H8 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे ज्यादा हो रही है, कंबस्टेबिलिटी उनकी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज हो गई, कंबस्टन एंड कंपोजिशन। थर्ड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है आपके पास के जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लो होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और वोलेटाइल होते हैं नेचर में। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्गेनिक के जनरली लो होते हैं और वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि वो जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जल्दी। तो वेपर्स उनके जल्दी बन जाते हैं जैसे वोलेटाइल होते हैं, और उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उनके क्या होंगे, लो होंगे। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आ गई कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और वोलेटाइल होते हैं, यानी उनके वेपर्स जो है वो जल्दी बन जाते हैं। यानी अब जिस तरह पेट्रोल की एग्जाम्पल है, पेट्रोल अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है ना। आप देखें, आप पेट्रोल की बॉटल का सिर्फ जो है वो ये आपके पास अगर पेट्रोल की एक बॉटल है, उसके अंदर पेट्रोल है, आप जब उसका लिड ओपन करेंगे तो जो उसके वेपर्स हैं वो पूरे रूम में बाहर फैल जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, वोलेटाइल है, यानी इसके वेपर्स जो हैं वो जल्दी बनते हैं और ये उड़ जाते हैं हवा में। तो ये वोलेटाइल हो गया आपके पास। उसके बाद है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में क्या होगा कि नॉन पोलर में सोलेबल नहीं होते, ठीक हो गया। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल, बेंजीन, दे आर लेस सोलेबल इन वाटर। जो पोलर होते हैं, सॉरी, पोलर के अंदर सॉल्युबिलिटी में क्या चीज आ गई कि वो किन किन चीजों में सॉल्व हो सकते हैं, किन में सॉल्व नहीं हो सकते, हल हो सकते हैं नहीं हो सकते, जो नॉन पोलर है, क्योंकि ऑर्गेनिक खुद नॉन पोलर होते हैं, वो उसमें सॉल्व हो सकते हैं। और पोलर के अंदर जिनके अंदर पोल्स बने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, पोलर जिस तरह आयनिक जिनको बोला जाता है, उसमें वो सॉल्युबल नहीं होते। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज आ गई कि वो पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो खुद नॉन पोलर होते हैं, और पोलर के अंदर वो नहीं होते सॉल्युबल क्योंकि वो आयोनिक कंसिडर जो है वो नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी होगी। फिर उसके बाद है स्टेबिलिटी। जैसे कि अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितने ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं इस नेचर में, यानी कितनी चीजें, कितनी कंडीशंस को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया कि वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, देखें अभी आपने बताया कि उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो लो हैं, लो हो गए। अब लो होने की वजह से वो जल्दी हीटअप हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और बॉयल हो जाते हैं। तो जल्दी मेल्ट एंड बॉयल होने की वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी जो सॉरी स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है, यानी वो जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो आपके पास लो मेल्टिंग मेल्ट सॉरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, वो लेस स्टेबल होंगे। लेस स्टेबल का मतलब है कि वो जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और वैसे रिएक्ट जो है वो उनको जल्दी नहीं करना चाहिए। सिक्स है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है कि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आकी आपके पास के कंडक्टिविटी उनकी क्या होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी जो है वो क्या होती है, लो होती है, यानी ना होने के बराबर होते हैं। तो या पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, वो इतनी जल्दी अपने अंदर से हीट को और सॉरी बिजली को नहीं गुजरने देते। तो पुअर कंडक्टर हो गए। और सोर्सेस क्या हो गए, अब इसके बाद देखें सोर्सेस की अभी हम बात कर चुके हैं। सोर्सेस उसके कौन से हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी नेचुरल प्लांट्स प्लस एनिमल्स। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि लिविंग जो रॉट हो चुके हों पुराने वक्त के दौरान, तो लिविंग एंड रॉटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास सोर्स आ गया इसका। एंड एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट रेट का मतलब होता है कि कितनी जल्दी एक रिएक्शन को कंप्लीट वो करेगा, अगर इसको रिएक्शन कराया जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो होता है वो हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, स्लो रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि मोर टाइम कंज्यूमिंग।
तो इनको जल्दी कराने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाती हैं। अब कंडीशंस जो हैं वो आप कैटलिस्ट भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो वैसे अगर आप रिएक्शन में आगे इसको फर्दर डिटेल से पढ़ लेंगे, तो ये आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम इसके यूजेस की तरफ। यूजेस इसके क्या होंगे? यूजेस बड़े सिंपल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। डेली लाइफ में आपने बहुत सारे देखे होंगे और आपको पता भी होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस क्या क्या हैं। ऑर्गेनिक है फूड के अंदर यूज होते हैं, जिस तरह फैट है, कार्ब्स है, फूड फैट कार्ब्स है, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये फूड के अंदर यूज होते हैं। फूड हो गया। उसके बाद सेकंड, उसके बाद क्या आ गया आपके पास? क्लोदिंग, कपड़ों के अंदर यूज होते हैं। सिल्क होता है, कॉटन है, ये सारे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में यूजेस में आ सकते हैं। उसके अलावा जो है वो वुड वगैरह, पेंट वगैरह, वुड है, पेंट्स हैं, उसके अंदर ये यूज होता है आपका। उसके अलावा नेचुरल गैस, अब पावर सोर्स है आपका, फ्यूल है, पावर सोर्स जिसको फ्यूल बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोल गैस एक्सेट्रा घरों में इस्तेमाल होता है, आपके इंजन गाड़ियों को चलाने में, मेडिसिन्स में इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स में, मेडिसिन्स में इसका काफ़ी रोल है, ड्रग्स में ये अप्लाई होते हैं। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स में कीड़े मार अदवियात जो होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है इसको। उसके अलावा डाइज, कलर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। और उसके अलावा बहुत सारे पेपर्स बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई होती हैं। सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए, जो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप जिसका नाम ना लें और उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ ना हो रहे हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ होते हैं और डेली लाइफ में ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो रोल है हमारे पास वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो रोल है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि नाम से जाहिर है कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिक, उसके साथ कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप, कोई भी ऐसा एटम जो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, उसको हम उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी देखिए ना, अगर आप, मैं इसके साथ OH लगा दूं तो ये अल्कोहल बन जाएगा। गैस थी मीथेन, उसके साथ साथ OH लगाया, सॉरी CH3OH लग हो गया, तो ये आपके पास अल्कोहल बन गया। तो इसी तरह CH3Cl किया तो ये हेलोजन बन गया। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हो गई, अपने फंक्शंस हो गए, इसके अपने फंक्शंस हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है? आप वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको अप्लाई करने से आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इससे आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज या करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये कुछ टेबल है बुक के अंदर, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एल्केन है, इसके अंदर क्या है जी? आपके पास एल्केन ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये बेसिक है। फिर आता है एल्कीन, एल्कीन के अंदर देखें आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इथीन बन जाता है। नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई बॉन्ड से। एल्काइन्स है, उसके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसे एल्काइन भी कहते हैं, इसके साथ वाई एन ई लिख देते हैं, ये उसकी नॉमेनक्लेचर आगे हम जाके अलग से डिस्कस करेंगे। एरीन्स हैं, एरीन्स ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जब साइक्लिक फॉर्म में बॉन्ड बना देता है तो इसको हम एरीन कह देते हैं। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हैलाइड्स है, हैलाइड के साथ हेलोजन ग्रुप लगा होता है, हेलोजन में फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, ये सारे हेलोजन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। फिर एल्कोहल में OH साथ आ जाता है, ईथर में कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड होता है, सॉरी कार्बन टू कार्बन होते हैं और उसके दरमियान सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन के साथ ये जुड़े होते हैं, तो ये ईथर हो गया। एमाइंस है, एमाइन के साथ नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल के साथ कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें शो हो रही हैं। फर्दर चलते हैं, थायोल है, थायोल में आपके पास देखें कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक एस सल्फर ग्रुप होता है, तो ये थायोल बन गया। कार्बोनाइल में कार्बन
जिस सेकेंडरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा एल्डिहाइड में, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। इसमें कार्बन कार्बन के साथ अटैच है और इसमें हाइड्रोजन के साथ अटैच, तो ये कार्बोनाइल, ये एल्डिहाइड। कीटोन में दो कार्बन होंगे और उनके दरम्यान एक सेंट्रल कार्बन होगा, उस सेंट्रल कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, तो दैट इज कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगी और दूसरे के साथ OH ग्रुप लगा होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर में दो कार्बन आपस में ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, तो ये एस्टर बन जाता है। एमाइड्स में एक NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है और एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ग्रुप होता है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है आपके पास क्लोरीन क्लोराइड है और साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड में आपके पास क्या आ रहा है कि कार्बन दो कार्बन के दरम्यान एक सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन और उस दो कार्बन के आपस में भी ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास एनहाइड्राइड की फॉर्म में आ जाता है। तो ये देखें, हर किसी के सिर्फ एक एक एटम चेंज होने से या ग्रुप ऑफ एटम चेंज होने से उसकी सारा स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो हम फर्दर इन चैप्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है और किस तरह लेके चलना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक और एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेटल उसके अंदर क्या होगा, सल्फर है, हेलोजन है, क्या लगा होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको दे देता हूँ, मैं बताता हूँ, आपने मुझे उसका फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट के लिए सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट करना है कि वाया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है भी कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड इन ग्लास टेस्ट ट्यूब। एक ग्लास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है और उसके अंदर आपने क्या ऐड कर देना है, CuO, कॉपर ऑक्साइड ऐड कर दिया। अब इस मिक्सचर को आपने क्या करना है, हीट करना है, एनर्जी देनी है। हीट करेंगे जब इस मिक्सचर को, तो होगा क्या कि कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, तो इसमें से क्या होगा, वाटर और CO2 जो है वो निकल जाएगी। CO2 एंड वाटर, वाटर के बुखारात या वेपर्स बन के इसमें से निकल जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें, CO2 निकल गया और H2O आपका निकल गया, तो CU टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो CO2 जो है वो मिल्की इसको कलर कर देगा, यानी इसको व्हाइट कर देता है। और द प्रेजेंस ऑफ कार्बन वाटर वेपर टर्न व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। तो अगर आपके पास एनहाइड्रस व्हाइट, ये वाला देखें लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, मिल्की कलर का बना देगा। और अगर आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसका भी कलर व्हाइट होता है, ये देखें व्हाइट, तो व्हाइट कलर को ये ब्लू बना देता है। तो इस कलर चेंज होने से आपका पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो कलर चेंजेस से आपको पता चल जाएगा कि CO2 जो है वो क्या करता है कि वो लाइम, अगर वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में है तो वो उसको व्हाइट, लाइम वाटर्स को व्हाइट कर देता है, और वाटर के साथ अगर उसका रिएक्ट कराएं तो वो उसको ब्लू कर देगा, हाइड्रेटेड कर देता है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि आपका इसके अंदर ये कंपाउंड मौजूद है। अब नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन को डिटेक्ट करने का क्या है कि कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल एंड विद द हेल्प ऑफ नाइफ पुट दिस पीस ऑफ सोडियम मेटल इन अ फ्यूजन ट्यूब में। अब इसको डालते हैं फ्यूजन, जिसमें रिएक्शन कराना होता है। हीट द फ्यूजन ट्यूब इन द फ्लेम एंड मेल्ट सोडियम मेटल। फिर उस सोडियम मेटल को उस ट्यूब के अंदर जो है वो मेल्ट किया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है। व्हेन सोडियम मेटल इज मेल्टेड, जब उसको मेल्ट किया जाता है, देन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका पाउडर इसके अंदर जो है वो डालते हैं। क्लियर हो गया। देन हीट द फ्यूजन ट्यूब अगेन टिल इट्स बॉटम बिकम्स रेड हॉट। तो इसको इतना हीट करते हैं कि इसकी जो ये बेस है ये रेड हो जाए, सही फुल गर्म हो जाए, टेम्परेचर इसका ज्यादा इंक्रीज हो जाए। क्लियर हो गया। तो उससे क्या होगा कि ब्रेक दिस फ्यूजन ट्यूब इन अ चाइना डिश कंटेनिंग 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो इस को आपने ब्रेक करना है, इस टेस्ट ट्यूब को, चाइना डिश के अंदर, और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर पड़ा होगा। तो अब होगा क्या, मिक्स एंड बॉयल देन फिल्टर द सोल्यूशन
फिल्टर फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लजाइन सॉल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो इस जब आप इस सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं दोबारा से मिक्स करके, तो जो नया सॉल्यूशन बनता है उसे लजाइनी सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट का नाम है उसके नाम पे रखा गया। एंड डिवाइड दिस फिल्ट्रेट इनटू थ्री पोर्शंस एंड टेस्ट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और अब इस सॉल्यूशन को तीन हिस्सों में आपने तकसीम कर लिया, और उन तीन हिस्सों को अलग अलग टेस्ट करके पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन किस में है, सल्फर किस में, और हेलोजन किस में पाया जाएगा। तो ये आप देखते हैं, आपके पास सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम को चेक करने का कि इस सॉरी नाइट्रोजन को चेक करने का या हेलोजन को, किस तरह देखे सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन आपने रिएक्ट कराया, NaCN बना, फिर NaS, और फिर उसके बाद देखें NaS Na2S बन रहा है, और उसके साथ दोबारा Na तीनों चीजों को रिएक्ट कराया एस के साथ, तो NaSCN बन गया, फिर उसके बाद उसको हेलोजन के साथ रिएक्ट कराया तो NaX बन गया। तो ये आपके पास बेसिक रिएक्शंस जो है वो आ रहे हैं। नाइट्रोजन टेस्ट क्या होगा, टू वन पोर्शन ऑफ लसाने फिल्ट्रेट, एक फिल्ट्रेट का जो सोल्यूशन आपने लिया है ये वाला, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH इज एडेड, इसमें NaOH ऐड करते हैं, और जो है वो Fe टू मेक इट एल्कलाइन एंड देन फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 इज एडेड, फिर उसमें एल्कलाइन बना के उसको FeSO4 ऐड कर दिया जाता है। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड एंड उस बॉइल्ड सॉल्यूशन में FeCl के कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं और HCl आर एडेड टू इट, देन द अपीयरेंस ऑफ ब्लू और ग्रीनिश ब्लू कलर प्रूव्स दैट द नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो और अगर इस सॉल्यूशन का इन सारे एलिमेंट्स को डालने के बाद अगर उसका ब्लू ग्रीनिश ब्लू या प्रूशियन ब्लू कलर और प्रेसिपिटेट बन जाए, तो इट मींस के इस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये देखें ये आपके पास कलर जो बन रहा है तो ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन आपके पास मौजूद है। अगर ये कलर ना शो हुआ तो इट मींस नाइट्रोजन आपके पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, If the red blood red color is prepared in, produced instead of Prussian blue, अगर इस ब्लू की जगह रेड कलर प्रोड्यूस हो जाए तो रेड ब्लू कलर की वजह से क्या होगा, इट प्रूव्स दैट नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों पाए जाएंगे, तो अगर रेड कलर बन जाए। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं, आपको याद होने चाहिए कि सिर्फ नाइट्रोजन होगा तो वो ब्लू या ग्रीनिश ब्लू, और अगर नाइट्रोजन प्लस सल्फर होगा तो वो आपके पास रेड ब्लड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। फिर सल्फर को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसी सॉल्यूशन को जब आप एसिडिफाई करते हो एसिटिक एसिड के साथ, तो एंड बॉइल्ड ऑन द एक्सपेल H2SO गैस, और उसको फिर बॉइल किया जाता है ताकि H2S गैस उसमें से निकल जाए, विच टर्न्स रेड टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो जो रेड एसीटेट पेपर होगा अगर उसको जो है वो ब्लैक कर देगा, लेड का जो एसीटेट पेपर होता है उसका साइन है कि ये आपका सल्फर जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि सल्फर से ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। तो PbS देखें आपका बन रहा है, तो ये PbS क्या शो कर रहा है कि आपका रेड ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, इसके इट मीन इसके अंदर सल्फर है। क्लियर हो गया। और इसी तरह हेलोजन टेस्ट आपने करना है। हेलोजन टेस्ट कैसे होगा कि उसी थर्ड सॉल्यूशन पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन को बॉयल किया गया नाइट्रिक एसिड के साथ टू एक्सपेल साइनाइड आयंस एंड सल्फाइड आयंस एंड कूल द सॉल्यूशन एंड AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड। ठीक हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट शोज द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा तो व्हिच शोज द क्लोरीन, येलो प्रेसिपिटेट होगा तो वो ब्रोमीन को शो करता है, और डीप येलो प्रेसिपिटेट होगा तो वो आयोडीन को शो करेगा। तो यानी आपके पास कोई भी हैलोजन हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी हो सकता है ना, तो वो आपके पास डिफरेंट कलर से आपको क्या शो हो रहा है कि कौन सा हैलोजन उसके अंदर पाया जा रहा है। तो ये आपके पास सिंपल एक हैलोजन टेस्ट था उसका। और उसके बाद आपके पास लास्ट में आ गया कि डिफरेंट रिएक्शंस हैं। देखिए वाइट प्रेसिपिटेट तो उसमें क्लोरीन है, येलो प्रेसिपिटेट तो ब्रोमीन है, और आयोडीन की वजह से डीप येलो प्रेसिपिटेट उसका बन जाएगा। तो ये आपके पास चैप्टर एंड हो गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस सोर्स से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के तक इंतज़ार रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।